से दानिश कुरैशी जी के पास जुड़ेंगे, लेकिन एक बात तिवारी जी, एक बात बताइएगा तिवारी जी, एक बात बताइएगा। संगत में देखिए वीएचपी ने जो अपील की मुस्लिम पक्ष से, आप यहां पर अजहरी साहब को सुन रहे होंगे, दानिश कुरैशी को सुन रहे होंगे, उनका रुख समझ गए होंगे और उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ भी हम नहीं करने जा रहे हैं। जवाब मिल गया, अब आगे क्या? देखो नहीं, ये अपेक्षा थी। देखो एक बात देखिए कि जब पूरा तत्व तो खुदाई हुई थी श्री राम जन्मभूमि में भी, एक मिनट, हाँ करिए करिए, श्री राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि भी जब पूरा तत्व तो के लिए खुदाई हुई थी, सारा वस्तुएं मिली थी, तो उसमें भी इस टीम के एक मेंबर थे के मोहम्मद, एक मुस्लिम थे। और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, मोहम्मद साहब, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो 5 जजों की टीम में एक मुस्लिम भी थे। तो इस प्रकार की जब ये सारी होती हैं तो उसमें मुस्लिम भी रहते हैं। अब ये यहां पर बैठकर क्या कहेंगे, उसका तो आपको पता ही है कि इस डिबेट में से जो तर्क निकलते हैं तो ये कहते रहेंगे, किसी के पक्ष बोलते रहेंगे, विपक्ष बोलते रहेंगे। लेकिन जो वस्तुस्थिति है, जो हमारे पुरातात्विक सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं, उनका न्यायालय में महत्व है। और न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी होता है, पहले भी हो चुका है और अब भी होगा। और हमारे यहाँ तो काशी के लिए ये हमारे तीर्थ स्थल, एक मिनट, हमारे यहाँ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये 7 पुरियां जो 7 नगर हैं, ये हमारे धर्म स्थल हैं। और पौराणिक जब इस्लाम नहीं था तब से इनकी यश गाथा है। और काशी के विषय में, काशी से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, इसके बाद भी ये बात कर रहे हैं। और एक बात आई थी मुनिद्दीन चिश्ती की, तो वो एक पिछले रास्ते से, एक धोखा देने वाले रास्ते से धर्मांतरण का एक काम करने वाले वो दरगाह के उसके प्रमुख थे, और उनका इतिहास पढ़ लीजिए जाकर के। मैं अपनी बात को वापस नहीं लूंगा, मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लूंगा। आप जाकर के अपना इतिहास खोजिए, इतिहास खोजिए, अपने इतिहास खोजिए। क्या धर्मांतरण नहीं हुआ, क्या बलात्कार नहीं हुए, क्या क्या क्या? अजहरी साहब रुकिए, अभी दानिश कुरैशी जी लीड कर रहे हैं ना। अजहरी साहब रुकिए जरा, दानिश कुरैशी जी बोल रहे हैं। अब एक्चुअली क्या है, सुनिए अजहरी साहब, आप भी बोलेंगे, दानिश कुरैशी भी बोलेंगे, तो आवाज आपकी नहीं आ पाएगी। एक जना बोलिए, हाँ दानिश कुरैशी बोलिए। गलत बयानबाजी करा रहे मानसू जी आप। अरे रुकिए तो, दानिश कुरैशी जी बोल रहे हैं, दोनों लोग बोलेंगे, कहां से आपकी आवाज आएगी? अजहरी साहब रुकिए, ऑडियो डाउन करिए, आप दानिश कुरैशी जी बोलिए। अगर अगर उनका कुछ कहना है तो तरीके से कहें हिमांशु जी, बोलिए। लेकिन अगर वो बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत सम्माननीय है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वो है जिन्होंने इस देश के अंदर में जब हम लोगों को सम्मान दिया, जब कब तक ये जुल्म ढा रहे थे, और संविधान में एससी के लिए इसीलिए स्टेटस दिया गया क्योंकि इन्होंने सदियों तक जुल्म किया है। ये तारीख है, ये क्या हमें बता रहे हैं कि जाके पढ़िए? अरे आप जाके पढ़िए, आज जो एससी का स्टेटस है वो इसलिए है कि आपने हजारों साल से जुल्म और ज़ाती बरप्पा कर रखी थी। और आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, देखिए सबको बराबर का मौका है, सबको बराबर का मौका है ना, है ना? अजहरी साहब के पास भी आऊंगा। तिवारी जी, किसी की भावनाएं आहत ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए बस। हिमांशु जी आप ही करा रहे हो ये सब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा, मैंने दानिश भाई से कहना चाहता हूँ कि आपकी श्रद्धा है, मैंने कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा उस समय बलात्कार और धर्मांतरण की भी अनगिनत घटनाएं हैं उनके समय में, और उस समय के जो बादशाह शासक हैं उनके साथ, उनकी जो पत्रावली है वो भी पढ़कर दीजिए कि उन्होंने क्या किया है। आप जाइए ना, हम कौन से कह रहे हैं, हमारा लिखा हुआ इतिहास नहीं है, आपको आप ही लोगों को उस समय का लिखा हुआ इतिहास है वही पढ़ लीजिए, हमारा भी लिखा हुआ इतिहास पढ़ लिया। नहीं लेकिन देखिए यहाँ पर साक्ष्य सबूत की बात आ रही थी। अभी अजहरी साहब कुछ भी कहेंगे, सुनिए ना अभी साक्ष्य और सबूत की बात आ रही थी। मैं एक बार फिर से पॉइंट पर वापस आता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अजहरी साहब आपत्ति उठा रहे थे, बात उठा रहे थे, लेकिन एक सवाल का जवाब जो शुरुआत में मैंने पूछा, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को ये सवाल का जवाब क्लियर हो जाए कि आप बोल रहे हैं 400 साल पहले ये सारी चीज यहां पर की गई थी, मस्जिद यहां पर बनवाई गई थी, और उसी पर ही जो अकबर हैं वो वहां पर आके अपना जो भी करते थे। लेकिन 11वीं-12वीं शताब्दी की अगर वहां पर मूर्तियां मिल रही हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? मुझे बस ये छोटा सा मेरे को पहलू बता दीजिए अजहरी साहब बस। अरे एएसआई ने कहा है ना, एएसआई आपके 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 वकील साहब कह रहे मिल रही है,
ये बात आप 2003 में जो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कोर्ट ने कहा था, 30 सितंबर 2010 को जो कोर्ट ने तीन तीन जगहों पे बाबरी मस्जिद की जगह को बांटा था, उसे आप देख ले। पहले तो ज्ञानवापी पर रही है, दूसरी चीज अजरी साहब, अरे मेरी बात तो सुन लो, आपको क्या कह रहे हैं सुनिए ना, एएसआई ने किया क्या, एएसआई ने साइंटिफिक तरीके से जांच की ना, साइंटिफिक तरीके से जांच की बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से भी ऐसे ही सबूत पेश किए थे, अरे कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए थे प्रोटोकॉल तो उनका पालन किया गया ना, कि अपनी मर्जी से कुछ भी रख दिया, नहीं बनाई गई कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, यही हाल। अरे तो बेस स्ट्रक्चर कैसे है, देख लीजिए वो स्ट्रक्चर, वो बेस, वो दीवारें, सब झूठ है, ये सब झूठ है, सब झूठ है, सब साजिश, कैसे साबित करेंगे आप, अगर एएसआई साबित नहीं करेगी तो क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, या फिर आप लोग बताएंगे कौन सा पत्थर कितने साल पुराना है।